अबीर को हुआ दिदुन पे शक, दिदुन ने कराया है नीरजा को किडनैप। कलर्स टीवी शो नीरजा के अपकमिंग एपिसोड में हमें ये देखने मिलेगा जैसा कि अबीर और नीरजा गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं ताकि नीरजा अपना एग्जाम दे सके और अपनी आगे की पढ़ाई कर सके, लेकिन नीरजा के रास्ते में आ जाती है बड़ी रुकावट और नीरजा हो जाती है किडनैप। जब अबीर को होश आता है तो वो नीरजा को ढूंढने लग जाता है। नीरजा को बार बार फोन करने के बाद भी जब नीरजा से कोई जवाब नहीं मिलता तो अबीर इस सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार नीरजा को किसने किडनैप किया होगा, जिसके बाद अबीर को याद आता है कि वो दिदुन ही थी जो नीरजा की दुश्मन थी और नीरजा के मार्कशीट भी दिदुन ने ही जलाए थे ताकि नीरजा आगे की पढ़ाई ना कर सके। तो शायद इस बार भी नीरजा के किडनैप होने के पीछे है दिदुन का हाथ, जिसके चलते नीरजा को ढूंढने के लिए अबीर सीधे आ पहुंचा है सोनागाची, और सोनागाची में आकर दिदुन संग सवाल जवाब करने लग गया है अबीर। अबीर दिदुन से सीधे सीधे ये पूछने लग जाता है कि आखिरकार दिदुन ने नीरजा को क्यों किडनैप किया और उसे कहाँ छुपा कर रखा है, लेकिन दिदुन भी अबीर को कोई जवाब नहीं देती और बातों बातों में अबीर को घुमा देती है। दिदुन का ये कहना है कि उसे नीरजा का कोई पता नहीं है और वो अबीर की गलती है कि उसने नीरजा को संभाल के नहीं रखा। वेल, ऐसे में अभी देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अबीर ढूंढ पाएगा नीरजा को। जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।